चिनौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर गुरुवार को महिला नसबंदी शिविर आयोजित किया जाता है। आज स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर जाने से बिगड़ी व्यवस्था, महिला छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर परिवारजनों के साथ सुबह से नसबंदी कराने आई, बैठकर डॉक्टरों का कर रही इंतजार। दोपहर के बाद ग्वालियर से आई डॉक्टरों की टीम ने 32 महिलाओं की नसबंदी, भाड़े के वाहनों से शाम तक घर पहुंची महिलाएं। एएनएम हड़ताल पर होने से 2 डिलीवरी ग्वालियर के लिए की रेफर। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए मैं रानी कदम, आशा कार्यकर्ता शंकरपुर से। मैं 2 केस लेके आई थी, 8 बजे लेके आई थी। उनकी नसबंदी हो चुकी है? हाँ, नसबंदी के लिए, लेकिन अभी 1 बज गया है और डॉक्टर स्टाफ आ चुका है, लेकिन अभी कोई नसबंदी हुई नहीं है। इतना टाइम लग रहा है, वैसे भी हम छोटे बच्चों के साथ आते तो परेशान होते हैं, इतना टाइम लग गया। ओके, मैं रामरखन सिंह रावत जी बोल रहा हूँ। अपने छोटे भैया ही बहू को लाया चिनौर में, काहे के लिए डिलीवरी थी उसकी जी। सवेरे लाया 8 बजे, अभी रिपेयर कित दिया, ये बोले भूखर ताल पे हूँ। सारे लोग भाज गए, अब ग्वालियर के लिए जा रही है हमारी। काहे से लेके जा रहे हो? वही 108 से। आज ये स्वास्थ्य संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं, ऐसी जानकारी मिली है, और आपके स्वास्थ्य केंद्र पर महिला नसबंदी शिविर का आयोजन भी है, आप कैसे व्यवस्था बना पाएंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत शिवर है, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर PSC चिनौर। यहाँ पर काफ़ी असुविधा हो रही है सभी संविदा कर्मचारियों के जाने से, चूँकि हमारे पास ये पूरी लिस्ट है जिसको आप ले लीजिए, और ये करीब करीब पूरा क्षेत्रीय कम 20 कर्मचारी हैं जिनके जो आज हड़ताल पर जा रहे हैं, उनका पता भी नहीं है वो कब तक आएंगे। और आज LTD कैंप है यहाँ पे, जैसे भी हो रहा है हम यहाँ पे संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है इसके लिए, और जो भी होगा हम अपना यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट देंगे और सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे। सर, जो महिला नसबंदी की जो टीम आती है वो कहाँ से आती है और लगभग कितने बजे के आसपास आती है? मैंने को पता चला है कि हर बार शाम को आती है, जिस वजह से महिलाओं को परेशानी भी आती है। नहीं नहीं, उसमें डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अमित सक्सेना सर आते हैं, तो उनके और भी जगह जाते हैं वो LTD कैंप के लिए, करैया और भी जगह उनका रहता है सिविल, तो उनकी वो टाइम सेटिंग करके और जहाँ जितने केसों में टाइम लग रहा है फिर उसके बाद वो फ्री होके अगले जगह जाते हैं, तो वो उन्होंने बोला है तो वो निश्चित आएंगे। देर हो सकता है उनको।